यूक्रेन और रूस पर हमले के बीच अब दुनिया दो धड़ों में बंटती दिखाई दे रही है। यूक्रेन को रूस की ओर से दी जा रही एटमी धमकी के बाद अमेरिका ने रूस से सटे सभी मुल्कों में एटमी हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका और रूस जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एटमी हथियारों की धमकी दे रहे हैं, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है। रूस पहले ही नाटो देशों को धमकी दे चुका है कि अगर उसने यूक्रेन को हथियार देना जारी रखा तो वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो आगे आने वाले समय में नाटो देशों पर हमला करेगा या नहीं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर परमाणु हथियार कितने खतरनाक होते हैं और ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियर हथियार दो तरह के होते हैं, जिन्हें उनके काम और विनाश करने की शक्ति के आधार पर बांटा गया है, जैसे एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब। एक एटम बॉम्ब कम शक्तिशाली होता है और विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 परमाणुओं का इस्तेमाल करता है। दूसरी ओर हाइड्रोजन बम एक थर्मोन्यूक्लियर हथियार है जो फिजन और फ्यूजन दोनों परमाणु रिएक्शन का इस्तेमाल करता है। इसमें दो कोर होते हैं जिनमें से दूसरा वाला ट्रीटियम या ड्यूटेरियम जैसे हाइड्रोजन आइसोटोप से बना होता है और भीषण विस्फोट करता है। सोवियत संघ ने मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा थर्मोन्यूक्लियर बम बनाया था, जिसका नाम जार बम है। ऐसे तीन बमों में से एक को टेस्ट किया गया था और दो म्यूजियम में है। इसके विस्फोट से निकलने वाली गर्मी ग्राउंड जीरो से 62 मील की दूरी तक थर्ड डिग्री बर्न करने में सक्षम है। इसके झटके लोगों ने 692 किलोमीटर दूर तक महसूस किया था, जबकि 900 किलोमीटर तक की खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए थे। बम के रेडियस पर ही सब कुछ निर्भर करता है, यहाँ तक कि एक जार बम भी पूरे देश को तबाह नहीं कर सकता है। केवल एक छोटा देश जैसे वेटिकन सिटी या मोनाको, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर या 202 हेक्टेयर हो, वही परमाणु हथियार से पूरी तरह नष्ट हो सकते हैं। न्यूक मैप वेबसाइट के अनुसार एक परमाणु हमले से प्रभावित क्षेत्र में बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के 50% और 90% तक लोगों की मौत हो सकती है। इसका असर कई घंटों और हफ्तों तक रहता है। आपको बता दें कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों से हमला पहले हो चुका है, जिसमें लाखों लोगों ने जान गंवा दी थी। रेडिएशन विषाक्तता मौत का सबसे बड़ा कारण होती है, जिसमें उल्टी, मतली, ब्लीडिंग, दस्त या इससे भी घातक लक्षण दिखते हैं। 35 मील तक के क्षेत्र में लोगों को थर्ड डिग्री बर्न होने की संभावना रहती है। विस्फोट के 140 मील की दूरी तक खिड़कियां टूट जाती थीं और कई लोगों के सदमे के कारण मरने का खतरा होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर रूस यूक्रेन के बीच इस युद्ध में एटम बम गिरा तो कैसी और कितनी तबाही मच सकती है। बहरहाल हमारे इस वीडियो पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।